नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी नीमच के तत्वाधान में एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जागृति जीवन एक आशा को लेकर बालिकाओं को जागरूक करने के लिए आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला न्यायाधीश सुशांत उद्दार, विशेष न्यायाधीश अजय कुमार टेलर, प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर कुलदीप जैन, बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम अतिथियों ने माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन के साथ की। इसके साथ ही मुख्य अतिथियों का जन शौर्य सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी नीमच द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। जन शौर्य सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी नीमच द्वारा विशेष समुदाय की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी होनहार बालिकाओं को आज मुख्य अतिथियों ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। लोग नीमच में आए हैं और हम लोगों ने बालिका दिवस के अवसर में जो जस्सा वगैरह ने हम लोगों को शिक्षा के ऊपर महिलाओं को पढ़ने के लिए बताया गया है और आगे बढ़ने के लिए कहा गया और शिक्षा का ज्ञान का बताया गया है हम लोगों को, और कुछ अतिथियों के द्वारा हम लोगों को प्रमाण पत्र वगैरह दिया गया है और सम्मान उनका हम लोगों ने। जन शौर्य सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा समुदाय की पढ़ी लिखी बालिकाओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और सम्मानित का उद्देश्य यह है कि समुदाय में वो बालिकाएँ हैं जो इस देह व्यापार की कुप्रथा को से हटकर शिक्षा की ओर अग्रसर होकर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, और यही उद्देश्य है कि समुदाय की जो कुप्रथा को समाप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और वो शिक्षा अग्रसित करके और समाज को इस कुप्रथा को समाप्त कर सके, इसलिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। इसमें कितनी बालिकाएं शामिल है आयोजन में और किस प्रकार के इस कार्यक्रम में लगभग 55 बालिकाएं आयोजित उपस्थित रही, और ये सभी अलग अलग गांव की बालिकाएं हैं और इसी समुदाय की बालिकाएं हैं, और सभी बालिकाएं पढ़ लिख कर कुछ एजुकेशन में हैं, कुछ सर्विसेज में हैं, कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रही, कुछ पुलिस की, और उनका उद्देश्य यह है कि हमारे जो समाज की जो कुप्रथा है इससे हटकर हम समाज में एक मुख्य धारा में अपना एक नया नाम बनाएं, ताकि समाज में और भी लड़कियाँ पढ़ लिख कर आगे जाएँ।